टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। ज्यादा शेयर करें, अपने घर पर बने रहिए, क्योंकि मामला कहीं ना कहीं गंभीर जरूर है, क्योंकि एक साथ 5 मामले कोरोना के सामने आए हैं और मामले में ये चीज सामने आई कि 27 से 28 तारीख को सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव आए हैं, नंदेड़ साइड से आए थे जो जानकारी मिली है, और इस समय डॉक्टरों की जो टीमें हैं लगातार स्क्रीनिंग करती नजर आ रही है, उनकी डिटेल नोट की जा रही है। इस समय पुलिस के जो अधिकारी हैं बिल्कुल जो है आप देख सकते हैं डॉक्टरों की टीमें मौके पर है, सबसे ज्यादा इस समय सहयोग देने की जरूरत, घरों पर रहना बहुत जरूरी है। 5 पॉजिटिव केसेस जो हैं करनाल के तरावी के पखाना गांव में इस समय सामने आए हैं, 5 का लिंक हालांकि ट्रैवल हिस्ट्री है, टोटल इस समय करनाल में 8 पॉजिटिव केसेस हैं, 8 में से 7 पॉजिटिव केसेस जो हैं वो उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है और 1 जो है वो करनाल के ही थे। ट्रैवल हिस्ट्री की अगर हम बात करें 2 की ट्रैवल हिस्ट्री थी, बाकी 5 साइड महाराष्ट्र से जो है वो लोग आए थे, हालांकि काफी लोग जो है। नमस्कार, करनाल जिले से संबंधित आज 6 मई के कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। पहली तो ये कि हमारे जिले में 5 आज कोरोना के पॉजिटिव केसेस आए हैं। ये 5 लोग नीलोखेड़ी के पास एक पखाना गांव है उसके रहने वाले हैं और नांदेड़ साहिब के विजिट पे रिसेंटली गए थे और लगभग 8-10 दिन पहले हमारे जिले में वापस लौटे थे। इन सब लोगों को हमने ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया है और गांव के करस्पॉन्डिंग एरिया को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करके सील करवाया जा रहा है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतें, सरपंच, ये लोग जो भी कोई बाहर से आते हैं उनकी सूचना अपने संबंधित SHO को या ड्यूटी मजिस्ट्रेट को दें। इसी प्रकार से जो नगर पालिकाएँ और नगर निगम के क्षेत्र हैं उनमें भी पार्षद हैं हमारे और बाकी जो भी प्रबुद्ध नागरिक हैं वो प्रशासन की मदद के लिए ऐसे लोगों की सूचना हमें अवश्य दें ताकि हम उनको निगरानी में रख पाएं और ज़रूरत पड़ी तो उनके टेस्ट करवा पाएं, क्योंकि करनाल में अभी तक कोरोना के केसेज जिले में अपने कोई नहीं है। जो भी केसेज आए हैं ज़्यादातर की ट्रैवल हिस्ट्री रही है जो बाहर से आए हैं, इसलिए ये सूचना देना बहुत आवश्यक है। और मैं सभी करनाल वासियों से भी आग्रह करूँगा कि जब तक बहुत ही ज़रूरी ना हो तब तक जिले के बाहर की यात्रा ना करें और ना ही अपने किसी संबंधित को या रिश्तेदार को गांव के जिले के बाहर से जिले में बुलाएं। कुछ छोटी छोटी चीज़ें क्वेरीज थी लोगों की, जैसे अगर किसी का कोई रिश्तेदार है, रिलेटिव है जो करनाल जिले के या हरियाणा राज्य के बाहर जाना चाहता है या बाहर के राज्य से यहां पे हरियाणा में आना चाहता है तो उसके लिए edisha.gov.in पे वो अपने पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं और हरियाणा सरकार की तरफ से सेंट्रलाइज्ड ऑटो अप्रूवल ऑफ द पासेज वो अपने आप जो है अप्रूव उनको इशू जारी कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं जैसे इंडस्ट्रीलिस्ट को भी विदित होगा वो भी ऑटो अप्रूवल के लिए एलिजिबल हैं, वो अपनी परमिशन के लिए अप्लाई करें और उनको भी ऑटो अप्रूवल दे दी जाएगी। वो सभी उद्योग या वो सभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जिनमें 10 से कम की लेबर है वो उनको पास के लिए अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है और वो अपना उद्योग या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। अंत में मैं सबसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि जब तक बहुत ज़रूरी कार्य ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें और लॉकडाउन का पालन करें। जो जनरल मूवमेंट का समय हमने रखा है वो सुबह 8 बजे से 2 बजे तक रखा है, उसके बाद सिर्फ इमरजेंसी कार्य के लिए ही बाहर निकलें। करनाल में अभी एक्टिव केसेस की संख्या 8 हो गई है, परसों हमारे यहाँ 2 केस आए थे, कल 1 केस आया था और आज 5 केस आए हैं, तो हमें बहुत ही ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अगर जरा सा भी आपको सूचना मिलती है कि कोई हरियाणा के बाहर के ट्रैवल करके या हरियाणा के जो रेड जोन के ज़िले हैं, NCR के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ से कोई भी आ रहा है तो तुरंत प्रशासन को सूचना दें, ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स को सूचना दें, SHO को सूचना दें ताकि हम उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करा पाएँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।